हाय देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में ना हम ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। एक विंटर के लिए आप किस तरीके से बढ़िया सा मेकअप कर सकते हो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। विंटर में स्पेशली मेकअप करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ 2% कोजिक एसिड फेस सीरम। इसके 3 to 5 ड्रॉप्स लेकर ना मैं अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी। तो जो कोजिक एसिड होता है ना, वो क्या करता है ना कि आपकी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। एट द सेम टाइम जो डिसकलरेशन की रीअकरेंस होती है ना, उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। इसके अंदर 1% अल्फा आरब्यूटिन भी है जो मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एंड आप इसको एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हो, लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना इसके बाद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये 1% कोजिक एसिड डेली ग्लो बॉडी सीरम लोशन। इसके अंदर ना कोजिक एसिड के साथ साथ अल्फा आरब्यूटिन है, मैकेडेमिया ऑयल है, शिया बटर है, जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। बट मेक श्योर कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो पैच टेस्ट जरूर करो। ये आपको मिल जाएगा ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa एंड Dermaco के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो Styles2022, तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेज टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस ईयर। देन मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज फेस अच्छे से हाइड्रेट हो चुका है, बॉडी अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है। अब हमें अपने फेस को प्रेप करना है ताकि जो बेस प्रोडक्ट्स है ना, वो हमारे पोर्स के अंदर ना जाएं। तो अच्छे से एक मैटिफाइंग वाला प्राइमर लेके मैं पूरे फेस पर बढ़िया तरीके से अप्लाई कर लूंगी। देन क्योंकि ना मुझे विंटर में ना बहुत बार ऐसा होता है, हमारी स्किन ना नेचुरली ग्लो ही नहीं लगती है और नेचुरल ब्लश नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये टिंट यूज कर रही हूँ। इसको मैं कोई भी बेस प्रोडक्ट लगाने से पहले यूज कर रही हूँ, सो दैट मेरा जो बेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और ग्लोई सा लगना चाहिए। सो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बढ़िया तरीके से इस तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। आप देख रहे हो, अगर आप चाहो तो आप बाद में भी लगा सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। बट मैं यहाँ पे चाहती थी कि मेरी स्किन के अंदर से ना एक नेचुरल फ्लशी चीक्स दिखने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहले अप्लाई किया। यू गाइस कैन टेक अ लुक, बहुत बढ़िया तरीके से ये लग रहा है। ओके सो ना अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंसीलर। ठीक है, मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का, जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और मुझे वहाँ पे क्लीनिंग चाहिए, जैसे कि मेरी अंडर आइज हो गई, देन आईलिड्स हो गए, है ना, देन हमारा फोर हेड हो गया, जो बेसिक एरियाज पे आपको ऐसा लगता है ना कि आपको जहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और जहाँ पे आपको हाईलाइटिंग चाहिए, आप अपने फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे जहाँ जहाँ पे नेसेसरी लगता है मैं वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, एंड चीक्स पे मुझे जहाँ हल्का हल्का थोड़ा सा एक्ने स्पॉट्स वगैरह हैं। अभी आप देखोगे जो मैंने ब्लश लगाया था ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा जैसे जैसे मैं कंसीलर को ब्लेंड करूंगी, और इस तरीके से लगेगा कि ना चीक्स नेचुरली पिंक लग रहे हैं। इसीलिए ही मैंने जो अपना टिंट है वो पहले लगाया था एंड बाद में नहीं लगाया था, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि ना हम बाद में लगाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, बट हमें एक नेचुरली वाला लुक चाहिए था। तो मैं इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसकी हेल्प से भी ब्लेंड आउट कर सकते हो। अभी आप देखोगे जब मैं अपनी आईज के नीचे का, अंडर आईज का जब मैं कंसीलर ब्लेंड करूंगी ना, तब आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। अभी इसकी हेल्प से मैं डैब डैब करके पहले ब्लेंड करूंगी। इससे क्या होता है ना कि आपको एक बढ़िया वाली कवरेज मिल जाती है, नीचे तक अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। सो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ये अमेजिंग और कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप ना एक बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन भी, आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगता है वो कर सकते हो। मुझे कंसीलर यूज़ करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कंसीलर किया है। देन मैं अपने फेस को यहाँ पे अच्छे से सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पैक्ट पाउडर। लूज पाउडर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी विंटर्स आ रहे हैं तो लूज पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है। देन मैं क्या करूंगी, अपना फेस पूरा अच्छे से सेट करने के बाद, ब्रॉन्जिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विंटर्स में स्पेशली हमें वो सनकिस्ट वाला लुक चाहिए होता है, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करूंगी। ब्रॉन्जिंग बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करूंगी, बिल्कुल हल्की हल्की लाइट से करूंगी। फर्स्ट अब अपनी जैसे चीक बोन्स पे हो गया, देन मतलब मुझे जहाँ पे नेसेसरी लगता है ना, वो मेरी चीक बोन्स हैं, देन मेरा फोरहेड है एंड मेरी नोज है। जॉ लाइन इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको नहीं करनी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये कर लेने के बाद मैं अपना फोरहेड करूंगी, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा ना बहुत ही बड़ा फोरहेड है, आई हैव अ बिग फोरहेड, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
स्पेशली जब मैं अपने हेयर को टाई कर रही होती हूँ, एंड देन नोज़ को भी मैं अच्छे से यू नो ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी हेल्प से ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हर काम करना, स्पेशली अगर आप ब्रॉन्जिंग कर रहे होते हो। तो ब्लश तो आई थिंक यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी चीक्स जो है ना नेचुरल लग रहे थे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। हाईलाइटर भी आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बट ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था, तो हल्का सा लगाने पर ना बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। बट जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही थी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाईलाइटर है। आई लव यूजिंग शैम्पेनी गोल्ड हाईलाइटर, बिकॉज ना वो मेरे स्किन के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से जाते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपका इंडियन स्किन टोन है फेयर टू मीडियम ना, तो शैम्पेन या फिर गोल्ड हाईलाइटर आप ट्राई करना। गोल्ड, आई विल से शैम्पेनी गोल्ड या फिर सनलिट गोल्ड सॉर्ट ऑफ हाईलाइटर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड डस्क की स्किन पर तो वैसे ही गोल्ड हाईलाइटर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं ऑफ कैमरा अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी, एंड देन स्पूली की हेल्प से कॉम्ब आउट कर लूँगी, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट ना अच्छे से ब्लेंडेड दिखता है उसकी हेल्प से। आई मेकअप हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगी, जो मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया था ना, मैं वही सेम टू सेम शेड पिक करके ना सबसे पहले अपनी आईलेट पर प्लेस कर लूँगी, जैसे आप देख रहे हो। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ हैवी आई मेकअप नहीं चाहिए, लिप्स हम थोड़े से यहाँ पे बोल्ड रखेंगे, इसलिए मैं आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ। ये कर लेने के बाद ना जो सेम कलर मैं अपनी आईलेट पे प्लेस कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप पूरी की पूरी यू नो सॉरी क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ, आई वॉज सेइंग इट ऑल रॉन्ग। जो मैं अपनी कलर क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ, आप आईलेट पे भी कर सकते हो। मैं सेम को ना नीचे लैश लाइन पे प्लेस कर रही हूँ, एंड देन जो आउटर कॉर्नर्स है ना वहाँ पे कंपैरेटिवली वन शेड डार्कर ले रही हूँ मैं ब्राउन का ही, एंड सिर्फ उसको आउटर कॉर्नर्स पे मैं प्लेस कर दूंगी, ठीक है। एंड देन क्या करूँगी, एक जिससे मैंने अपना फेस सेट किया था सेम चीज़ लेके मैं अपनी आईलेट पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इससे ना ऐसा लगता है कि आई शेडो वाला पूरा लुक आ जाता है, एंड बहुत ज़्यादा सटल भी लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आईलाइनर। तो मुझे ना यहाँ पे एक्चुअली पूरा एक बड़े वाला प्रॉपर विंग आईलाइनर ड्रॉ करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए मैं क्या करूँगी ना, बिल्कुल हल्का सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आप देख सकते हो अभी पहले आई शेडो लुक कंप्लीट हो चुका है, बहुत सटल और नेचुरल सा लग रहा है। देन आईलाइनर ना मैं क्या करूँगी, सिर्फ आजकल मुझे ना इस टाइप का आईलाइनर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ना मैं सिर्फ एक विंग ड्रॉ करती हूँ, एंड उसको हल्का सा आईलाइन के साथ जो हमारी वो होती है ना लैश लाइन होती है उसको हल्का सा आगे ड्रैग कर देती हूँ, एंड वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, आपको एक्चुअली कैट आई वाला लुक देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आई एम लविंग दिस टाइप ऑफ आईलाइनर राइट नाउ, आप देख सकते हो। देन हम यहाँ पे लास्ट उसको कर्ल करके मस्कारा लगा लेंगे। मस्कारा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वन टिप गाइज, अगर आपको कैट आई वाला लुक चाहिए ना, तो जो आउटर लैशेज होते हैं ना उस पर ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ इनर लैशेज, तो ना आपकी आईज एकदम कैट आई वाली आपको लुक देती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। देन यहाँ पे ना मैं एक पिंक कलर का यू नो लिप कलर लेने वाली हूँ। आई यूजली डोंट अप्लाई दिस काइंड ऑफ कलर, बट आज मुझे थोड़ा बोल्ड लिप करने का मन था, एंड आई लव दिस शेड, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी है। एंड दैट इज़ द फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।